प्रधानमंत्री जी, एबीपी न्यूज ने पूरे देश को दिखाया कि किस तरह से यूपीए सरकार के वक्त जो ब्रह्मोस मिसाइल थी उसके निर्यात की फाइल को रोका गया। आपने भी एक्स के जरिए उस पर प्रतिक्रिया जाहिर की थी, लेकिन क्या अब वो पूरी परिस्थितियां बदल गई हैं आपकी सरकार में? किस तरह का रक्षा क्षेत्र आपको मिला था और क्या वो विसंगतियां दूर हो गई हैं? क्योंकि देश ये जानना चाहता है। पहले तो मैं एबीपी को बधाई देता हूं कि आपने इस विषय को एक्सपोज किया जी। ये बहुत ही गंभीर विषय है और बड़े अच्छे ढंग से आपकी जिसने भी रिसर्च किया है, अब ये बहुत चिंता का विषय है कि हमारे देश के अंदर विदेशों से इम्पोर्ट करने की जो एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड बिजनेस वेस्टर्न इंटरेस्ट ग्रुप का बना था, इसलिए हमारी सेना कभी आत्मनिर्भर हो ही नहीं पाई। मैंने आकर के हर साल 100 की लिस्ट बनवाता कि ये 100 चीज़ें अब इम्पोर्ट नहीं होगी जी, अगले साल दूसरी 100, अब तक शायद 300 पर पहुंच चुका हूँ मैं, तो उससे भी ज़्यादा पहुँचा हूँ, बहुत बड़ा नंबर है वो। बिल्कुल वो इंडिया से ही लेनी पड़ेगी, इसी का इंडिया में मैन्युफैक्चर को भी विश्वास है अब तो ये हमारा बिकने ही वाला है, तो वो भी बनाने लगा जी। जब बनाता है तो वो भी क्वालिटी में, बनाने वाले की कॉम्पिटिशन बढ़ी, पहले 5 बनाते थे 8 बना रहे, तो यानी देश को आज हम 1,00,000 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमने 21,000 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट किया है जी। इसका मतलब हुआ कि भारत में सामर्थ्य है जी। बिल्कुल, ब्रह्मोस के साथ जो हुआ, अगर ये न होता तो आज से 10 साल पहले दुनिया में मेरा 1,00,000 करोड़ का ब्रह्मोस बिक जाता और हम नए वर्जन बनाने की क्षमता में आ जाते। खैर, मेरा कारखाने का अलग है तो अब अच्छा हो रहा है, पूरी दुनिया में मांग बढ़ रही है और हम सप्लाई करने के लिए अपनी स्थिति भी बना रहे हैं।